आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई से जी चुराते हैं, अगर पढ़ते भी हैं तो पेपर देते समय सब कुछ भूल जाते हैं, पढ़ा लिखा सब कुछ। अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हो रहा है तो ऐसे में कैसे करना चाहिए गायत्री मंत्र का जाप, पंडित जी बताइए, क्योंकि लगभग हर दूसरे परिवार की ये दूसरे तीसरे परिवार की दिक्कत है। देखिए, बुध ग्रह जो है वो बुद्धि का कारक है और सूर्य जो है आत्मा का कारक है, चंद्रमा जो है मन का कारक है। जिन बच्चों का बुध ग्रह अस्त होता है वो बच्चे तो पढ़ाई कर ही नहीं पाते हैं, वो बुद्धि से पैदल होते हैं। उनका बुध ग्रह ठीक करने के लिए और आत्मविश्वास के लिए, सूर्य ग्रह ठीक करने के लिए, मन स्थिति को ठीक करने के लिए, चंद्र ग्रह को ठीक करने के लिए गायत्री एक ब्रह्मास्त्र उपाय है। अगर बच्चे को गायत्री सिखा दी जाए और बच्चा दोनों हाथ ऊपर उठा करके और 24 बार गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर दे तो उसका परिणाम आपको 24 दिनों के अंदर दिखने लगेगा। बच्चा फुदक फुदक करके घर में कूदेगा और आपको दिखाई देगा कि उसके चेहरे पर हर समय प्रसन्नता के भाव हैं, और चाहे ड्राइंग करना हो, चाहे मैथ लिखना हो, चाहे इंग्लिश लिखना हो, सब चीज़ों को वो भार समझ कर नहीं, इंजॉय समझ कर करेगा। लेकिन आप अपने बच्चे को अपने पूजा स्थान तक ले तो जाइए, उसका दोनों हाथ ऊपर खड़ा तो करिए, उसको गायत्री बोलने का अभ्यास तो डालिए। आजकल तो जो ब्राह्मण इस समाज के आधार माने जाते हैं, उन ब्राह्मण परिवारों को ये कहते हुए सुनता हूँ कि अभी जनेऊ नहीं हुआ है, 25 साल की उम्र हो गई है, हमारे यहाँ पंडित जी शादी में जनेऊ होती है। अरे, जब आपके यहाँ 15 साल के बच्चों की शादी होती थी तब शादी में जनेऊ होती थी, अब 30 साल के बूढ़ों की शादी कर रहे हो और जनेऊ 30 साल की उम्र में करोगे? जनेऊ का उम्र ब्रह्मचर्य रहते करना चाहिए। जब बच्चे का ब्रह्मचर्य ही समाप्त हो गया तब जनेऊ करने का फायदा क्या है, और जब जनेऊ नहीं है तो गायत्री का मतलब क्या है? ये आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप बहानेबाजी कर रहे हो कि शादी में हमारे यहाँ जनेऊ होती है। तो जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एकाग्रता बहुत कमज़ोर है, मन भटकता है, जो पढ़ते हैं लिख नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों को हर दिन गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और ज़्यादा परेशानी है तो गायत्री मंत्र के आगे और पीछे सरस्वती का जो बीज मंत्र है ऐम, इसे लगाना चाहिए। ऐम ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वर्ण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र जो है करना चाहिए। येंग बीज मंत्र, ये सरस्वती का मंत्र है, सरस्वती का बीज मंत्र है, विद्या ज्ञान और वाक सिद्धि इससे मिलती है। लेकिन गायत्री अकेले सब कुछ दे देती है। गायत्री की सिद्धि आसानी से नहीं मिलती है। गायत्री की सिद्धि 24 लाख मंत्रों का एक पुरस्चरण होता है, और ऐसा 24 पुरस्चरण करने के बाद गायत्री माता अपने भक्त को दर्शन देती हैं। मतलब 24 लाख मंत्र का जब 24 बार आपको करना पड़ेगा, जिसमें 16 साल का समय लगेगा, तब गायत्री माँ आपको दर्शन देंगी, तब आप त्रिलोकी में आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा। ऐसा श्री राम शर्मा आचार्य ने किया था, जिन्होंने गायत्री का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया। माधवाचार्य ने किया था, जिन्होंने माधव संहिता लिखी, जो आयुर्वेद की प्रथम पुस्तक है, जिसके आधार पर आज पूरे संसार का इलाज होता है। नाड़ी विज्ञान और रोगों का निदान गायत्री माता के उपदेश से संभव हुआ। तो गायत्री बहुत बड़ी चीज़ है, ये तुच्छ कामनाओं के लिए प्रयोग में लाने की चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये प्रकृति को नियंत्रित कर सकती है। आपको एक छोटा सा उपाय बताऊं, आपके यहाँ अगर बहुत बरसात हो रही हो और आप अब पानी से ऊब गए हों, तो आप एक पीतल की थाली में एक लोटा जल लीजिए और थोड़ी सी राख, शुद्ध राख लीजिए, और वो राख लेकर के गायत्री मंत्र बोलते हुए 108 बार उस राख को आप पानी पे मारिए। अगर 108वीं बार राख मारने पर पानी न निकल जाए तो आप कहिएगा। और यदि सूखा पड़ा हुआ है, एकदम अकाल पड़ा हुआ है, बरसात का सीजन है, बरसात नहीं हो रही है, तो आप एक थाली में थोड़ा सा दूध ले लीजिए गाय का, या गंगा जल ले लीजिए और गाय का थोड़ा सा दूध ले लीजिए, और चांदी के चम्मच से गायत्री मंत्र बोलते हुए 108 चम्मच दूध उस जल में आप गिरा दीजिए, अगर बरसात न हो जाए
तब आप कहिएगा। ये देवी भागवत में लिखा हुआ है, ये सुरेश पांडे की कल्पना नहीं है, ये गायत्री मंत्र में लिखा हुआ है। आप प्रकृति पर भी नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं गायत्री मंत्र के द्वारा, मैं यही कहना चाहता हूँ। गायत्री कोई छोटी मोटी तुच्छ कामनाओं के लिए नहीं है, और गायत्री का अधिक यदि आपको ज्ञान चाहिए तो आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के पहले से लेकर के 6ठे अध्याय तक का रोज पाठ करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी।